तो ये वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, इसमें कहता है ये थीन डाई मैग्नेटिक रॉड इज प्लेस बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो दो पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट है, चलो मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दिस इज द बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट, और यहाँ पे हमारे पास एक बेसिकली हम बनाई लेते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो होता है, चलो मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ को ऐसे जा रही होंगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो व्हेन द करंट ए थिन मैग्नेटिक रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली, मतलब इसको यहाँ पर मैं जैसे अगर मैं ऐसे बनाया हूँ तो इनके बीच एक वर्टिकल रॉड रखूँगा, ठीक है, मतलब मैंने एक वर्टिकल रॉड ऐसे रख दिया, तो ये वर्टिकल रॉड है, दिस इज वर्टिकल रॉड। तो अगर मैं प्यारे बच्चों ऐसे वर्टिकल रॉड को यहाँ पर मैं रख दिया तो हुआ क्या, व्हेन द करंट, जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है स्विच ऑन, देन डाई मैग्नेटिक रॉड पुश अप, तो अगर ये वर्टिकल रॉड है तो ये पुश अप मतलब ये ऊपर को उठ जाएगा, तो अगर ये ऊपर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ऊपर को पुश हो जाएगा, देन द रॉड गेन द पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जो रॉड है, मान लो एक्स हाइट ऊपर उठा है, तो एक्स हाइट ऊपर उठा है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो MgH, तो MgX जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ड्यू टू अगर यहाँ रेफरेंस लाइन लेते हो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हो, तो यह छाइट ऊपर एक पोटेंशियल, तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू डू दिस कम फ्रॉम, मतलब ये जो वर्क है, ये जो एनर्जी है वो आएगी कहाँ से, फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी इज कम। तो देखो ये कहाँ से एनर्जी आएगी, तो देखो अगर मैग्नेटिज्म तुम देखोगे, मैग्नेट अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो ये तो रॉड ऊपर उठेगा नहीं, क्योंकि बिकॉज नहीं देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है ना, यहाँ एक वर्ड है यूज हुआ है डायमैग्नेटिक प्लेस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब मैग्नेट तभी बनेगा, ठीक है, कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डायमैग्नेटिक मटेरियल ऊपर उड़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी फिर उसको ऊपर उठाने में सफिशियंट है, तो कुल मिला के जो है और जो सोर्स की एनर्जी है वही इसको उठाने में लिए सफिशियंट है, दैट वाई मतलब ये इस टाइप के जो क्वेश्चन था बेसिकली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जिंग, ये सही नहीं है, लाइट इस स्ट्रक्चर से, दैट इज ए ऑप्शन सही है, सोर्स की एनर्जी है यार, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।